मेरे को 4-5 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए स्टार्टिंग में। हाँ, फिर मतलब जॉब की तरह मिलता नहीं। मैं अंडा भुर्जी का धंधा करती थी ना रोड पे, तो रिक्शा वाले बहुत जन आते थे खाने के लिए, तो रिक्शा वाले जेब में हाथ डालते तो इतना पैसा निकलते थे। तो मैं बोले, अरे जेंट्स लोग इतना चला रहे, तो मैं भी कुछ ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने मन में ठाना कि मैं भी रिक्शा चलाएगी, दिन में ऐसा काम आएगी बच्चों लोग के लिए। मेरा दो लड़के लोग है, एक लड़का इंजीनियर है सॉफ्टवेयर का और छोटा वाला ट्रेन में पढ़ रहा है। तो लाइसेंस बैच सब अपना RTO वडाला जाके निकल दिया। अभी ओला में भी ज्वाइन हुए, ओला का भी करती हूँ और ये रिक्शा का भी करती हूँ कस्टमर। मुझे मतलब जिद दी थी मैं कुछ तो करके दिखाएगी, और मैंने दिखाया कर। और सब लोग ने मुझे हेल्प भी किया रिक्शा चलाने के टाइम। एक जेंट्स ने सिखाया भी मुझे रिक्शा चलाने का, और मैं सीख गई तुरंत। मैं पहली लेडीज थी ना रिक्शा की, तो वो लोग को कुछ समझ में नहीं आता था कि रिक्शा का परमिट कैसा निकलें। बड़े बड़े साहब, जिला अधिकारी साहब, सब लोग ने मीटिंग अरेंजमेंट किया, तो ये लेडीज को कैसा परमिट देंगे, क्या करेंगे, लेडीज चला सकती है क्या? तो ऊपर जो ये है ना, मेरा होने के बाद सब ये लेडीज लोग का पूरा हो गया बैच सेना मातु, तो उनको कॉन्टेक्ट करके वो साहब लोग बोले नहीं, लेडीज भी चला सकती है। अभी केरला, दिल्ली ये जगह पे तो लेडीज है गाड़ी चलाते। तो वो लोग ने मीटिंग अटेंड करके मेरे को तो 1 साल लगा लाइसेंस बैच परमिट के लिए, पूरा 1 साल जिधर जा रही उधर बहुत लोग ने मेरे को मतलब ये सत्कार भी किया, अभिनंदन, किधर किधर पार्टी भी दिया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैंने ये लेडीज लोग को भी बहुत मेरे साथ लिया, और 10-15 जन लेडीज को भी मैंने सिखाया रिक्शा चलाने। आज मेरे वजह से बहुत लेडीज लोग बाहर आई है रिक्शा चलाने। अभी मैं जिधर भी जाते वो लोग तो बहुत पसंद, तो मेरा रिक्शा के पीछे भी मैंने नाम डाला है झांसी की रानी करके। ऐसा किधर भी रोड में लंबा लंबा भाड़ा लेके जाते तो बस वाले जो जेंट्स लेडीज बैठती है फोर व्हीलर, वो भी हाथ निकल के ऐसा करते थे। पहले मेन मैडम है ना, वो भी मैडम लोग भी बहुत, वो बोलता है लेडीज लोग आई है ना बहुत अच्छा है, अपना लड़की लोग के लिए सेफ है। जो लड़की स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती है, लंबा लंबा काम पे जाती है, वो लोग को छोड़ने आने को, छोटे बच्चे स्कूल का आना जाना ऐसा कुछ। जेंट्स लोग है थोड़ा बहुत, क्यों आए इधर हमारे पेट पे लात मार रहे हो, अभी सब लेडीज लोग आएगी तो हम लोग का क्या होगा। वो ड्रिंक ना, 4-5 साल घर पे ही थे, तो एक के बिना घर नहीं चलता है ना। थोड़ा बहुत हम लोग सपोर्ट करेंगे तो बच्चे लोग के फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा ना। अभी तो बच्चे लोग बहुत अच्छे हैं मैडम, बच्चे लोग का लाइफ बनाना, इसलिए मैं बोली चलो मैं भी कुछ करती है। अभी घर बैठ के तो कुछ हो नहीं सकता है ना, अभी फिलहाल तो मैं ही घर चला रही हूँ, लेकिन ओला में बहुत कम है मैडम। तो बजाज वाले ने बैंक में जाके वो बोल दिया, 0 बैलेंस में गाड़ी दिया हम लोग, खाली गाड़ी पैसा नहीं दिया। और जो 2.5 लाख का गाड़ी रहते हैं महीने का 5,000 हफ्ता है, वो हम लोग भरते हैं ओला में जाता है। 50 रुपये 50 को तो वो लोग खुशी से भी देते हैं कि एक लेडीज गाड़ी चला रही है। मीटर से थोड़ा ज़्यादा रहता है वो भाड़ा, वो अपने अकाउंट में वो लोग डालते हैं, अकाउंट भी खोल के देते हैं, मोबाइल भी उनका मिलता है अपना ओला का। मतलब फैमिली तो बच्चे लोग को बहुत अच्छा लगा, सास को भी अच्छा लगा, मेरे घर में मम्मी की इधर भी सब लोग को अच्छा लगा। लेकिन मेरे हस्बैंड को भरोसा नहीं था कि मैं कुछ कर पाएगी, तो बोले कि गाँव की अनपढ़ गवार कुछ नहीं कर पाएगी। वो तो बोल रहे थे गांव के कुछ कर नहीं, लेकिन मैंने करके दिखाया कि मैं लेडीज क्या नहीं कुछ नहीं कर सकती। एक टाइम खाने की मुश्किल हो रही मैडम अभी लॉकडाउन में, रिक्शा को ज़्यादा धंधा भी नहीं इतना हो रहा है अभी लॉकडाउन में, अपना महाराष्ट्र में ज़्यादा ही कोरोना का, ट्रेन बंद, स्कूल बंद, सबका हालत खराब था। बड़े बड़े लोग का भी बिजनेस सब बंद था, तो इतना दिन बंद था लॉकडाउन में, बंद ही नहीं, पूरा रोड पे पुलिस लोग, ये अपना बेस्ट वाली का गाड़ी और मेरा रिक्शा, पुलिस लोग मेरे को कितना पकड़ रहे थे, मैडम मत जाओ बाहर। मैं बोली मेरा घर कैसा चलेगा, बच्चे लोग क्या खाएंगे, 4-5 भाड़ा मारेगी तभी कुछ पाव किलो तो लेके आएगी, चावल दाल कुछ तो खिलाएगी बच्चे लोग, कहाँ से हो जाता था ना। सैनिटाइजर का बोतल, मास्क 20 लगा चुकी, पीछे कागज भी लगाया था प्लास्टिक का रिक्शा में, तभी भी ओला वाले हम लोग को इतना हेल्प कर रहे हैं, चलाएगी। लेकिन मैंने ये अपना बेस्ट ड्राइवर में तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैं ड्राइवर भी बनना चाहती हूँ, बस का, फोर व्हीलर भी सीखा मैंने, मैंने हेवी का लाइसेंस भी निकाला है, लेकिन उनको टाइम लगेगा, तब तक मैं ओला ही, ओला छोड़ेगी नहीं, ड्राइवर बने की बेस्ट की तभी भी मैं ओला ही चलाऊँ।